दोस्तों, आप ब्रेकफास्ट आइडियाज़ तो सर्च करते ही रहते होंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आप नई नई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ और इवनिंग स्नैक्स के लिए भी नई नई इवनिंग स्नैक्स रेसिपी ट्राई करते होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडिबिटी चैनल में। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने के लिए हम एक बाउल में एक कप मैदा लेंगे। अब इसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। दोस्तों, छोटी रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगभग 4 मिनट तक इसे गूंथना है। डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अच्छे से चलाएंगे जिससे अदरक का कच्चापन निकल जाए। अब हम मीडियम साइज के 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डालेंगे। इसमें जाएगा नमक स्वादानुसार। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अब आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। अब सभी को मिक्स करते हुए थोड़ी देर तक भूनेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। 2 टेबल स्पून भुने हुए मूंगफली के दानों को रफली क्रश करके डालेंगे। इसे मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें लगभग 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है। चलिए अब डो को देख लेते हैं। ढक्कन हटाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा गूंथ कर 3 बराबर साइज की पीड़ी काट लेंगे। इसे हम पतला पतला बेलेंगे। साइज में हमें इसे रोटी से बड़ा बेलना है। बेलने के बाद हम चम्मच की मदद से इस पर स्टफिंग की पतली लेयर लगाएंगे। अच्छे से लेयर लगाने के बाद इसे इस तरह रोल कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाकर चिपका देंगे। रोल हमारा तैयार है। अब हम इसके दोनों किनारे काट कर निकाल देंगे। इसे हम बराबर पीसेस में काट लेंगे। अब एक पीस को उठाकर इसे हथेली से इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी दबाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालकर गरम करेंगे। पीस को उठाकर बैटर में डिप करेंगे।
अब ये जाएगा पैन में। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी डिप करके पैन में डालेंगे। हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर सैलो फ्राई करेंगे। इन्हें उलट पुलट करके पकाते रहेंगे। आप इन्हें तेज आंच पर बिल्कुल भी ना पकाएं, वरना ये ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर कच्चे ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें और छोटी रेसिपी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब हम इन्हें टिश्यू पेपर लगी प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी सैलो फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।